हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एयर होल्स ऑफ द गैस बर्नर हैव टू एडजस्टेड व्हेन द वेसल्स बीइंग हीटेड गेट ब्लैकेंड बाय द फ्लेम। और दूसरा है यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट गैस कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों ही आसान है। पहला बोला गया कि एयर होल गैस का बर्नर का जो एयर होल होता है उसको एडजस्ट किया जाता है जब वहां पर वो ब्लैक होना लगता है, फ्लेम की वजह से ब्लैक होने लगता है या हीट होने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि यहाँ पर क्या है, वेसल के वजह से, वेसल का जो स्टोव का जो वेसल है या गैस का बर्नर का जो एयर होल है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जा रहा है। ब्लैक हो ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या होता है, उसमें एयर जो होता है, एयर अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से वो ब्लैक फ्लेम निकलता है और ब्लैक होता है, ठीक है। और जब कंप्लीट कंबशन होता है, वेसल को एकदम फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एडजस्ट जब कर दिया जाता है, वो कंप्लीट ऑक्सीजन फ्लो होता है तो वो अच्छे से जलता है, और अच्छे से जलने की वजह से अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है और वो ब्लैक नहीं होता है। और दूसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है कि बहुत सारा ऐसा सिंथेटिक डिटर्जेंट है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं डिकम्पोज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, इसी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए, एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द वेसल्स बीइंग हीटेड गेट ब्लैकेंड बाय द फ्लेम बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ होल्स ब्लॉकेज ऑफ होल्स हेंस फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली ड्यू टू इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या एयर, एयर नहीं ऑक्सीजन ही लेते। ऑक्सीजन अगर कम मिलेगा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, वो ब्लैक होगा, हीट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो एयर होल्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसको जब साफ कर दिया जाता है, उसको साफ करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है तो पूरे अच्छे तरह से जलता है और वो ब्लैक नहीं होता, ठीक है। और दूसरा बोला गया है कि वाई सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर, बिकॉज सम ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट सम ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल दैट दे कैन नॉट डिकम्पोज बाय दैट दे कैन नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेंस कॉज वाटर वाटर पॉल्यूशन। ओके,
तो सम ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल दैट दे कैन नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेंस कॉज वाटर पॉल्यूशन। मतलब सिंपल सा है, मैंने शुरू में बताया कि कुछ ऐसे हैं डिटर्जेंट जो कि डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, उसको बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकता है, डिकम्पोज नहीं कर सकता है, या कोई भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिकम्पोज नहीं कर पाता है जो पानी में जाता है और पानी को पॉल्यूट करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।